गणेशपुर इलाके में कपड़ा खरीदारी करने आई महिला के पर्स से 2 एटीएम कार्ड और 1500 रुपए नकदी चुराने वाली एक महिला चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोरी का पता चलते ही कोमल ने पुलिस को फोन किया। पीड़ित महिला ने बगल में ही खरीदारी करने वाली महिला पर संदेह जताया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत परिसर में खोजबीन कर आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धंतोली निवासी कोमल जगदीश शेंडे उम्र 32 वर्ष, इन्होंने गणेशपेट थाने में शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 6 मई को शाम करीबन 7 बजे गणेशपेट स्थित लोटस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के सामने फुटपाथ से वो कपड़े खरीद रही थी। इसी दौरान उनके पास एक महिला आई व उनसे चिपक कर खरीदी करने लगी। इसी दौरान मौका पाकर उस महिला ने कोमल के बैग में रखे छोटे पर्स से 2 एटीएम कार्ड और नकदी निकाल ली। कोमल को जब नकदी और एटीएम कार्ड चोरी की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कोमल के साथ उस महिला की खोजबीन करी। इस दौरान आरोपी पूर्णिमा उर्फ पिंकी वासुदेव कामली पुलिस को मिल गई। महिला चोर पिंकी को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। आरोपी पिंकी से चोरी का माल जब्त किया गया। गणेशपेट थाने के उप निरीक्षक राउत ने आरोपी पिंकी पर धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की अधिक जांच कर रही है। बरोबर आहे, शनिवारला गर्दीचा फायदा घेऊन शनिवारी मार्केटमध्ये एक बाई ॲक्टिवा बाजूला ठेवली, गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन दुसऱ्या महिलेच्या बॅगमधून 1500 रुपये वर एटीएम कार्ड चोरलेली आहे। तिच्या लक्षात आल्याबरोबर ती आरडाओरड केली, तेवढ्यात पोलीस पेट्रोलिंग गाडी गेली, त्या महिलेला ताब्यात घेतले, ताब्यात घेऊन विचारपूस केले, ते पीडित महिलेचा FIR घेतले, FIR घेऊन त्या बाईला अटक करून PCR घेण्यात आलं। PCR दरम्यान 1500 रुपये तिच्याकडून चोरीस गेलेले पैसे जप्त केले आणि ATM कार्ड मिळालं नाही म्हणून तिचं PCRमध्ये विचारपूस सुरू आहे। पौर्णिमा कांबळे आरोपीचं नाव आहे, पार्श्वनिशी आहे ती तिचं असेच धंदे आहेत। याच्या अगोदर पण गणेशपेठला 2 गुन्हे आहे, तहसीलला आहे, बर्डीला आहे, असे 14 गुन्हे तिच्यावर दाखल आहे। त्याच्यामुळे ते बाई आता PCRमध्ये आहे। नाही, वाहन पण जप्त केलेलं आहे, गुन्ह्यात वापरलेलं, त्याचा मोबाईल पण जप्त केलेलं आहे आणि ते चोरीस गेलेले पैसे जे 1500 रुपये ते पण जप्त केलेले आहे। तिचं घर जर ठिकाण पुढील तपास करणार आहे, ते विशाल ठाकूर आहे, ते तपास करत आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।